बेटा क्लास 11 की अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर 17 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इससे पहले किसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। एक सेलर और एक बायर, जब दो लोग आपस में कोई बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो उससे कैसे उसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक। एक एग्जांपल करते हैं बेटा, हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा ऑन अप्रैल 1, 2011 फॉर रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट एंड ड्यू अपॉन हिम अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ। और उसने एक बिल बनाया सेम अमाउंट का, 20,000 का ही बिल बना जो कि पेबल था आफ्टर 3 मंथ। बिल एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड द बिल, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ए ने ड्रॉ किया था, बी ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इनटू टू ए, ए को रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद। ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर्ड, जब उसको ड्यू डेट थी बिल डिसऑनर्ड हो गया। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इफ, ए और बी ड्रॉअर और ड्रॉइंग दोनों की ही हमें बुक्स बनानी है, उनमें जनरल एंट्री पास करनी है। चार केस हो सकते हैं, चारों केस डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। पहले हम समझ लेते हैं केस क्या है। केस वन, बिल इज रिटेन्ड बाय ए टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक डेट नहीं आ जाती मैच्योरिटी की तब तक बिल ए के पास रहा। केस सेकेंड, बिल इज डिस्काउंटेड बाय ए फ्रॉम हिज बैंक ऑन 4 अप्रैल 2011। बिल को ए ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, किस डेट को, 4 अप्रैल को। किस रेट पर, 6% पर एनम, 6% पर एनम पर उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। केस थर्ड, बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, बिल को सी को एंडोर्स कर दिया गया, थर्ड पार्टी आ गई सी को दे दिया गया ऑन अप्रैल 4, 2011। 2011 को अप्रैल 4 को बिल सी को एंडोर्स कर दिया गया। केस फोर, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन जुलाई 1, 2011। जुलाई 1, 2011 को बिल को सेंड किया गया बैंक को फॉर कलेक्शन। तो क्या क्या केस हुए, एक तो रिटेन किया उसने, दूसरा डिस्काउंटेड किया, तीसरा एंडोर्स किया, चौथा बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा, हमें दोनों की बुक्स बनानी है तो हम पहले बनाएंगे जो जिसने बिल बनाया था, जिसने बिल ड्रॉ किया था, जिसे हम ड्रॉयर कहते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए। जनरल एंट्री क्या होगी बुक्स में, ए की बुक में क्या जनरल एंट्री होगी। कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें केस बाई केस फर्क होंगी। तो जो कॉमन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम समझेंगे पहले। 1 अप्रैल जब बिल ड्रॉ किया गया था, बी टू सेल्स अकाउंट, ए ने बी को सामान बेचा था, तो बी टू सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 का सामान बेचा गया था, तो बी टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, क्योंकि बी को सामान क्रेडिट पर बेचा गया था। अब बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल रिसीव कर लिया बी ने, तो बिल रिसीवेबल टू बी अकाउंट ए सी, बिल रिसीवेबल आया, डेबिट हुआ 20,000 से
किसके अकाउंट से? टू बी, क्योंकि बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बी, बिल ने, बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया था उसी डेट को, तो इसलिए उसी डेट में सेम डेट 1 अप्रैल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल टू बी अकाउंट बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बी। अब केस फर्स्ट क्या था? व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ए टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की डेट तक बिल किसके पास रहा? ए के पास। मैच्योरिटी डेट क्या होगी बेटा? 3 मंथ्स के लिए बिल था, 1 अप्रैल को बिल आया, तो अप्रैल, मई, जून, इसका मतलब 1 जुलाई, तीन दिन जोड़े डेज ऑफ ग्रेस, तो क्या हो गई डेट, क्या हो गई? जुलाई 4। 1 अप्रैल से जब 3 महीने 3 दिन जोड़ेंगे तो आपकी डेट आएगी जुलाई 4। बी, बिल कहाँ था? ए के पास ही था, तो क्या आएगा? बिल अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बी डिसऑनर, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पर क्वेश्चन में गिवन है कि बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए बी अकाउंट डेबिट टू बिल, बी बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी डिसऑनर, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट केस, सेकंड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, जब हमें बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से, तो डिस्काउंटेड चार्जेस लेगा बेटा, जब भी बैंक कोई अपनी सर्विस देगा तो वो कुछ चार्जेस देगा, तो उन्होंने लिखा था 6%, 20,000 का 6% कितना हुआ बेटा? बैंक का डिस्काउंटिंग चार्जेस हम कैसे निकालेंगे? 20,000 का 6% पर एनम था, कितने महीने के लिए बिल था? 3 महीने के लिए, डिस्काउंट कब करवाया? 4 अप्रैल को, मतलब डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दिए गए, लेकिन 3 महीने के 3 महीने नहीं जोड़े गए, तो उससे पहले ही हमने डिस्काउंट करवा लिया गया, तो 20,000 का 6% 3 महीने के लिए निकालेंगे, कैलकुलेशन होगी 20,000 गुणा 6 गुणा 3 बटे 100 गुणा 12, आपका आंसर आएगा डिस्काउंटेड चार्जेस 300। 20,000 में से बैंक ने अपने सेवा के पैसे ले लिए 300 रुपये, तो माइनस हुआ 20,000 माइनस 300 19,700, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 19,700 से, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 से, जो कि बैंक की अपनी सेवा के चार्जेस थे। बिल पूरा कितने का था? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई 4 जुलाई को, तो बिल अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा? जितने का बिल था 20,000 का, इसमें डिस्काउंटेड चार्जेस माइनस नहीं होंगे, बी को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, और डेबिट में भी 20,000, क्रेडिट में भी 20,000, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द डिसऑनर ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि बिल जो है डिस्काउंट हो गया था, लेकिन डिसऑनर भी हो गया था ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसलिए बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस है बेटा केस थर्ड, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड टू इन फेवर ऑफ सी, सी को बिल दे दिया गया, किस दिन को दिया? 4 अप्रैल को ही, अप्रैल 4, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन फेवर ऑफ सी एंडोर्स हुआ था बिल, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी, 20,000 का बिल था, 20,000 ही डेबिट में, 20,000 ही क्रेडिट। डेट ऑफ मैच्योरिटी को क्या हुआ? बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट बीइंग बिल
received from B and endorsed to C, dishonor on the maturity date. क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था मेच्योरिटी डेट पर, इसने बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, 20,000 का बिल था, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। केस फोर, लास्ट केस, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। अगर हमने बिल को सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, तो कब किया था हमने, हम बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन कब करते हैं बेटा, 1 जुलाई को, जुलाई 1, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। डेट ऑफ मैच्योरिटी को जुलाई 4 है, जो कि आपकी, क्योंकि 1 अप्रैल का बिल था, जुलाई 4 को मैच्योर हुआ, तो बी अकाउंट डेबिट टू बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, डिसऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि बिल जो कि सेंड किया गया था फॉर कलेक्शन, बट इट इज डिसऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस तरह से बेटा आपकी ड्रॉयर जो ए था उसकी बुक्स की एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम बी, बेटा अब हम बुक्स ऑफ बी लिखेंगे, जो कि ड्रॉई है, जिसने सामान खरीदा है, जिसको बिल मिला है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। चारों केसों में इसकी एंट्री सेम होंगी। चारों केस क्या थे, पहला केस था बिल इज रिटेन्ड बाय ए टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट तक बिल ए के पास रहा। सेकंड केस क्या था, बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। थर्ड केस क्या था, बिल को एंडोर्स कर दिया गया सी को। चौथा केस क्या था, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। इन चारों ही केसों में बी जो ड्रॉई है, जिसने सामान खरीदा है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, उसके में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप याद रखेंगे कि जो ड्रॉयर होता है उसके लिए हर केस की एंट्री अलग होती है, लेकिन जो ड्रॉई होता है उसके लिए हर केस की एंट्री सेम होती है। 1 अप्रैल को सामान खरीदा गया, 1 अप्रैल को सामान खरीदा गया, परचेज किया गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए से सामान खरीदा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स को परचेज किया गया क्रेडिट पर। अप्रैल 1, 1 अप्रैल को बिल बनाया गया, जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने 1 अप्रैल को ही बिल बनाया और बी ने 1 अप्रैल को ही बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। बेटा ए, जब हम बी की एंट्री कर रहे थे ए की बुक्स में, तो क्या था, बिल रिसीवेबल टू बी, यहां क्या है, ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, उसने रिसीव किया था बी ने, इसलिए आया बिल रिसीवेबल। जब ए की बुक्स में था तो बिल रिसीवेबल था, जब बी की बुक्स आएगा तो क्या लाइबिलिटी आ जाएगी, क्या अकाउंट का नाम आएगा, बिल पेबल। ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दे दी कि बिल पे हो गया, मैं बिल पे कर दूंगा, मुझे बिल दे दिया जाए, तो इसलिए आया बिल पेबल, इसलिए आया बीइंग एक्सेप्टेड गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। अब ये बिल मैच्योरिटी डेट क्या हुई बेटा इसकी, 1 अप्रैल को बिल बना था, 3 महीने के लिए बना था, तो 3 महीने के लिए बना था, तो क्या हुआ, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को इसकी मैच्योरिटी डेट आई, लेकिन ड्यू डेट आई, आपने 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने हैं, तो आपकी मैच्योरिटी डेट क्या हो गई, 1 जुलाई से 3 दिन जोड़ेंगे तो आएगा जुलाई 4, तो 4 जुलाई को आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गई, तो बिल पेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल था पहले भी,
यहां भी आएगा बिल पेबल अकाउंट टू ए अकाउंट डेबिट, बीइंग बिल पेबल टू ए डिसऑनर्ड, क्योंकि अगर कुछ और होता, डिसऑनर ना होता तो आप ये अकाउंट ना बनाते। बिल डिसऑनर हो गया इसलिए आया बिल पेबल अकाउंट टू ए, 20,000 डेबिट में 20,000 क्रेडिट में। बिल जो बनाया गया था वो डिसऑनर हुआ था ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो लास्ट एंट्री क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। थैंक्स बेटा।